तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं इंडियन फुटबॉल के और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल टीम के फ्रेंडली मैचेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुभदीप एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स 360। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आप इंडियन फुटबॉल के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और भी इंडियन फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट्स बनाने में। देखिए दोस्त, अब सबको तो ऑलरेडी पता है कि इंडियन नेशनल टीम हंग तेन मिन टूर्नामेंट जो वियतनाम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पर टीम इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ सिंगापुर जिनका फीफा रैंकिंग है 159th एंड वियतनाम जिनका फीफा रैंकिंग है 97th। तो पहला मैच तो सिंगापुर के खिलाफ हो गया 24 सितंबर को, और उस मैच के बारे में बात किया जाए तो सिंगापुर को वियतनाम ने 4-0 के स्कोरलाइन से बीट किया था एंड सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया भी सिंगापुर को ऐसा ही कुछ मार्जिन से बीट करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने सिर्फ 1-1 से ड्रॉ खेला। देखिए उस मैच में इंडिया के मिडफील्ड में अनिरुद्ध थापा जिक्सन सिंह दोनों ही अच्छा नहीं कर रहा था और लिस्टन कोलासो का रन एकदम फ्लप चल रहा था, उतना फ्रूटफुल नहीं था ऐसा ही मुझे लगा। बट आसिक वॉज वेरी वेरी गुड, साथ में अनवर रोशन और आकाश मिश्रा भी बहुत ही अच्छा किया था डिफेंस में, साथ साथ अटैक में भी, और साहल बहुत ही ऑफ कलर था। सो एक मिक्स बैग ऑफ परफॉर्मेंस कहा जा सकता है इंडियन टीम के उस परफॉर्मेंस को। हाँ, कुछ कुछ समय पे अच्छे अच्छे ग्लिम्स ऑफ वन टच स्किलफुल फुटबॉल देखने को मिल रहा था टीम इंडिया से। मतलब यही टीम बहुत बेहतरीन कर सकता है, क्योंकि टीम तो 99% सेम है जो एशियन कप क्वालिफायर्स में खेला था जून में, इसीलिए पहले जैसा एकदम गंदा परफॉर्मेंस करता था वैसा देखने को नहीं मिला, थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रहा था इस टीम के बीच। मतलब स्टीमेक साहब को तो एक सेट टीम ऑलरेडी मिल गया है। तो उस मैच में जो हुआ सो हुआ, अब कल मतलब 27 सितंबर को जो डिसाइडर मैच है, देखिए डिसाइडर क्यों है, क्योंकि इस मैच में जो जीतेगा वो बनेगा हंग तेन मिन टूर्नामेंट का चैंपियन और उसको मिलेगा इज्जत और पैसा दोनों ही। मतलब दोस्त, बाहर के देश में जाके एक टूर्नामेंट को हम जीत के लाएंगे, मतलब इससे गर्व की बात और क्या हो सकता है, वो भी वियतनाम जैसे एक अपकमिंग स्ट्रॉन्ग एशियन पावर हाउस के खिलाफ, और ऊपर से $30,000 का प्राइज मनी भी कम नहीं होता है दोस्त। तो कल हमें बहुत अच्छे से खेलना होगा। इंडिया और वियतनाम के बीच पास्ट मैचेस के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो टोटल 14 मैचेस खेला गया था अब तक, जहां पे इंडिया ने 9 मैचेस पे जीत हासिल किया था, 2 मैचेस ड्रॉ हुआ था और 3 मैचेस पे वियतनाम ने जीत हासिल किया था, और लास्ट जो मैच हुआ था वो 2010 में हुआ था जहाँ पे फिर से इंडिया ने ही जीत हासिल किया था और उस मैच में सुनील छेत्री ने एक हैट्रिक दागा था। और दोस्त, तब से अब तक वियतनाम तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, तो कल के मैच में ये देखने लायक बात होगी कि वियतनाम इंडिया के मुकाबले कितना आगे बढ़ चुका है। और इसके चलते वियतनाम अब जापान, चाइना, सऊदी अरेबिया जैसे टॉप एशियन टीम्स को इक्वली टक्कर देता है। बट दोस्त, अगर हमारे इंडियन टीम एशियन कप क्वालिफायर्स के फॉर्म में आ गया तो वियतनाम को हराने का पूरा कैपेबिलिटीज रखता है। सो इम्पॉर्टेंट मैच टुमोरो, और दोस्त मैच देखना तो बनता है, आई होप आप सब लोग भी देखेंगे मैच को। और इंडियन टीम का फीफा रैंक है 104th और इधर वियतनाम का 97th, मतलब फीफा रैंक आसपास ही है। सो कड़ा टक्कर होगा। सो लेट्स सपोर्ट आवर ब्लू टाइगर्स एंड आशा रखते हैं कि टीम इंडिया जरूर इस टूर्नामेंट को जीत के लाएगा। सो होप फॉर द बेस्ट। तो कल 5:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे इंडियन फुटबॉल टीम के फेसबुक पेज, यूरो स्पोर्ट्स टीवी चैनल एंड नेक्स्ट स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे इंडिया वर्सेस वियतनाम का ये मैच टेलीकास्ट होगा। तो यही सब बताना था आपको आज के इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।